विवेक ओबेरॉय और सलमान खान की लड़ाई को शायद ही कोई भूल सकता है। बॉलीवुड में अच्छा करियर बना रहे विवेक ओबेरॉय की जिंदगी तब बदल गई थी जब उन्होंने सलमान से लड़ाई के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को विवेक आज तक नहीं भुला पाए हैं। हाल ही में उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म बैंक चोर के लिए एक इवेंट रखा था। ये इवेंट उनके को स्टार रितेश देशमुख को रोस्ट करने के लिए रखा गया था। इस दौरान सभी ने रितेश का खूब मजाक बनाया। इसके बाद विवेक ने कुछ ऐसा कहा जिसके बाद सभी हैरान रह गए। विवेक ने कहा, आखिरी बार जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी तब मेरी तशरीफ लग गई थी। अब ये तो सभी जानते हैं कि ये सीधा इशारा बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की तरफ था। साल 2003 में विवेक ओबेरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला मीडिया को कहा था कि सलमान ने उन्हें फोन पर धमकी दी है। उस वक्त विवेक ऐश्वर्या राय बच्चन को डेट कर रहे थे और सलमान को ये बात नागवार गुजर रही थी। विवेक ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात को काफी मजाकिया अंदाज में कहा। इतना ही नहीं, जब कुछ लोगों को ये बात समझ नहीं आई तो विवेक ने कहा, जो इस बात को समझ नहीं पाए उनके लिए मैं बस यही कहूंगा कि वो ट्यूबलाइट हैं। अब भला इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है लोगों को समझाने का? भला कौन बॉलीवुड के ट्यूबलाइट को नहीं पहचानता होगा।